की जॉइंट इंक्लोजर किट जो है वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जॉइंट के जो है फाइबर को जोड़ते जाते हैं। अच्छा, ये जब भी हम ये बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है, जिस तरह आपका ये जॉइंट किट है, और जॉइंट किट के साथ जो है आपके पास ये इसके अंदर सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन इसी के अंदर, ये एक और सिलिकॉन होती है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये देखिए ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास ये सिलिकॉन के दो हैं, ये एल की, इस जॉइंट किट को खोलने के लिए एल की, एल की। अच्छा जी, इसी तरह ये अर्थ के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर कहीं खंभे के साथ भी आप इसको लटका ना। सबसे पहले हम ये इस एल की से इस जॉइंट किट को खोल लेंगे। अच्छा, जब भी आपने नट खोलना हो तो आपने एक तो होता है ये यूं करना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक हम जितने भी नट बोल्ट होते हैं ये खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। ठीक है सर, ये देखिए आप, ये देखिए, ये हो गया एक, ये हो गया। इसको खोलने के बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब खोलेंगे तो फिर अंदाजा होगा। ये देखिए, ये ये दो नट हो गए, ये जी, ये देखें इसके अंदर बहुत सारे सामान हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो सामान है ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये टेप उन्होंने, ठीक है, और टेप के साथ केबलिंग करने के लिए भी उन्होंने केबल नंबरिंग लगाते हैं कि किस तरह नंबर लगाई जा रही है, ये नंबर लगाया हुआ है। इसके अंदर टिश्यू पेपर हैं, जैसे वो वाले स्वैप, ठीक है, अल्कोहल क्लीनिंग टिश्यूज, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल, इसके साथ आग नहीं जलानी आपने, ये टिश्यूज़ हैं, ये वो नंबरिंग है जो हम फाइबर के ऊपर लगाते हैं कि अगर कितनी कोर है। अच्छा, इसके साथ जो है हमारे पास ये टेप होगी नंबर दो, ये साथ साथ हमें इक्विपमेंट ऐसे, ये टिश्यू हो गई, ये टेप हो गई, और अब इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये इसके साथ फाइबर ग्लास, क्योंकि जॉइंट किट है, नई जॉइंट किट है, तो इसके साथ जो जो मटेरियल होगा ये इसी के अंदर से निकल आएगा। अच्छा जी, इसी तरह ये टाइयाँ होती हैं, क्योंकि केबल सेंसिटिव होता है, टूटने का खतरा ना हो, तो कुछ टाइस भी ये इसके साथ रखे होते हैं, इनको टाइयाँ कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये वो वाशल हैं केबल को जो है बांधने के लिए, ठीक है, ठीक है, वाशल्स, ये भी कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं। अच्छा जी, इसी के साथ ये जो है इसके ऊपर फाइबर को जोड़ते हैं, ठीक है ना, फाइबर को काबू करके इस नट के ऊपर हम ये ग्रिप बनाते हैं, अगर खिंचाव पैदा हो तो ये टूटे, चार चार हो गए, क्योंकि चार ही सुराख हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, चार सुराख हैं, और ये चार ही इसके जो है ना वो होंगे क्लिपर होंगे। ये आ गया, अच्छा जी, टाइयाँ ये हो गई, बाकी ये जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, दो वो थे और ये दस दो, बारह के जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, दो एक्स्ट्रा इन्होंने रखने, ये ग्यारह और ये बारह, ये सारे नट को खोलें। अच्छा, अब ये फाइबर जो जोड़ते हैं तो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर बड़ी डिटेल से हम जो है ये ट्रेज हैं, इसके अंदर एक ही ट्रे लगी हुई है, ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, एक एक सिरे से फाइबर खोलें, ये फाइबर खोलें। अच्छा जी, अब हम एक सिरे से इधर से वो दूसरा सिरा निकाल देना, अब ये देखिए इसी तरह इसको देना। अच्छा, ये पहले डाल देंगे, पहले डाल लेंगे, ठीक है सही। अच्छा, ये
सर एक और चीज करनी है, ये इस तरह डालना है, इसमें से अपने प्रेशर ये दो आपने ये वर्क लगा लेना, ये भी पहले डाल देंगे, ये भी पहले डाल क्यों डालनी है ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपने ये सिलिकॉन आपने लगा लेनी इसके साथ, ताकि काम करते वक्त आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है अच्छा जी, अब हम इसको बांधते हैं ताकि ये बार बार ना हिले, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है फाइबर, तो ये अगर थोड़ा सा हिला तो ये टूट जाएगा, फिर इस टूटने को कवर करने के लिए हमारे पास कोई तरतीब नहीं बनेगी। अब ये इसको इसको जो है वो देखिए इसको निकालें, वो स्क्रू ड्राइवर होगा तो ये चीजें जो है ना आपके पास होंगी तो फिर काम बनेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। अगर कटेगा यहाँ से, मैंने इसको काटने के लिए दो बंदर का होना जरूरी है। हाँ जी, दो ऐसे यानी कि अगर हम एकदम से ज्यादा काटें तो फिर ये नहीं निकलेगा, पहले हाफ करेंगे फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और, अगर मजीद और जरूरत होगी तो फिर थोड़ा और काट लेंगे। पहले इसको इनके जो अंदर सपोर्टिंग बाल है ना उनको आपने काट देना ताकि खींचने में आसानी रहे। इसका खोल काफी मजबूत है, हाल है ना। अच्छा, उसके बाद ये खोल उतारने के बाद हाँ, ये जो ना इस तरह सर कुछ तारें टूट भी तो जाती हैं, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, यही तो बात है, ये केयर करनी है। हाँ, ये केयर करनी, टूट नहीं चाहिए सर। ये क्या है, ये इतना पटेंगे तो ये सर पर मुश्किल है।
ये तो आप शाम तक कोई इसके लिए स्पेशल कटर हो ना जो यहाँ से ऐसे रख के बिल्कुल लंबाई में काट दिया जाए। कटर हो, कटर है फाइबर को कट करने के लिए, कटर है। अब ये आपके पास ना आपने मशीन के अंदर रखना है तो आपके पास इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो आपको रोल करने में आसानी रहे, ठीक है। इससे ज्यादा ही हो आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे, हम दो वाशले लगाएंगे। उसी तरह आप जो है ये थोड़ा सा गर्म हो ना, सर अगर इसकी जगह ये लगा दीजिए वाशर की, नहीं ये वाशर नहीं है ना। अच्छा वैसे ही स्पोर्ट दे, एक और लगा रहे थे दो चाहिए। ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान गया नहीं काम खराब। ये देखें इसको, ठीक है जी। ये अभी आप अच्छा दो वाशर लगाइए, दो वाशर लगाइए। अच्छा वाशर भी देख लेंगे कौन सी लगनी है, एक खुली वाशर है एक क्लोज वाशर है। अच्छा एक ही पैकेट में दो साइज की हैं, हम दो साइज। ठीक है ये देखें, इसको साइड कर दो, ये जस्ट सपोर्ट के लिए बस, ताकि हिले ना बार बार केबल है। अब इसको पेज के जरिए थोड़ा कस दे, इधर दबाएं,
ये छोड़ दें आप, ठीक है। अब ये देखें, अब खतरा क्या नहीं, अब इधर से बाहर निकलने का हल्का, इसको भी थोड़ा टाइट कर दें, ठीक है जी। अब ये, अब क्या करना है, अब ये काम करना है, वो फाइबर से कटर निकालें, ठीक है। ये फिक्स हो गई। अच्छा अब क्या करना है, इस प्लेट ट्रे को आपने हटा लेना है, ऐसे ट्रे, ये वाली ट्रे जो है ना, अब ये इधर रखनी है, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको आपने क्या करना है, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, अब इधर से आपने ये, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा कट गई, इसमें इसके अंदर टिश्यू और उठा के दें, टिश्यू और कौन सा है ना, दूसरा ये वाला। अब इसके अंदर ना सारी वो है क्या ना, अपना ये ग्रीस टाइप ना, तो ये ग्रीस जो है, एक तो अपने अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है, ये इसमें ग्रीस, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तार जो है ना इतनी होनी चाहिए कि इसको, इसने मशीन के अंदर भी करना है जी, ठीक है, इधर से इतनी, इधर से मशीन से करना है, ठीक हो गया जी। अब इधर से एक भी तार टूट गई तो काम खराब हो गया। फॉर एग्जांपल अगर इधर से तार टूट जाए तो आप ये दोबारा से छीलनी पड़ेगी। सही, ठीक है, इसको साफ कर ले, जहां जो एक एक हो गया, एक के अंदर छह छह तार हैं, ठीक है, 24 कोर केबल है। अच्छा। जो हम जोड़ रहे हैं इसके अंदर भी छह तार हैं। हाँ, एक के अंदर छह, ठीक है। अब एक हमने इधर से, जैसे ये वाला कलर है ये ब्लू, और इधर से हम ये ब्लू, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, इसी तरह दूसरी जोड़नी है, ठीक है। सही। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा ये सामान हमने काफी काम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, जस्ट ये आपके पास इस तरह सीधी जगह का होना जरूरी है, मशीन निकाल दी। साफ हो गए, स्प्लाइस मशीन, प्लान करेंगे। अच्छा जी, आपने ये देख लेना, देखें ये यहाँ से, हाँ जी ये देखें, इधर से ये ब्लू है, इधर से ये वाली ब्लू है, ये नहीं करने की आपने, ये इसमें ये दोनों जगह, इसके अंदर आने की जगह हो, यहाँ इसको
हाँ अपना हीट होने की जगह और फिर यहाँ रखने की जगह हो, ठीक है, ये टेक्निक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करें, आप जो है ना ये जो जितनी केबलें हैं ना उनके अंदर ये ग्लासेस डाल दें एक साइड पे। अच्छा पहले डाल दें, पहले डाल दें ताकि भूल ना जाए, भूल ना जाए, क्योंकि ये हर इस ये टूटते हुए कुछ देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है, थोड़ा सा टिश्यू से और साफ कर लें। अभी हम ये ऑरेंज केबल जोड़ना लगे हैं, केबल अगर दो दो जगह से ब्रेक हो गई है, इसी मसलन अब एक इस जगह से ब्रेक हुई है तो इधर से और इधर से आपने दरमियान में जोड़ लगाना है, ठीक है ना। ये टेक्निक आप सीख रहे हैं, आपने जॉइंट किट के जरिए जोड़ कैसे लगाना है। सबसे पहले ये साफ कर लिया एक साइड को, जिस साइड पे केबल आपको ज़्यादा नज़र आए उसमें से आप अब ये देखें, पहले ब्लू में इस एक केबल के अंदर छह केबल है ना। हाँ जी, अब ये पूरी में कितनी हो गई, कितनी मिली टोटल, चार छः चौके छब्बीस, 24 कर तय है। हाँ जी, टाइम तो लगता है, टाइम कंज्यूमेबल जॉब है जनाब, और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, और एहतियात भी इतना कि मत पूछे सर, एहतियात नहीं, एक टूट गई तो फिर सीधे से और इधर से एक केबल बाल के बराबर है। आप क्या समझते हैं, नेट ऐसे ही आ रहा होता है सारी जगह, नेट हाई स्पीड इंटरनेट इस तरह आता है, यानी कि दो तरह का आप नेट्स लेते हैं ना, एक होता है वायरलेस जी, एक होता है वायर, ठीक है। ये वायर नेटवर्क है, वायर में भी दो तरह का मीडिया होता है, एक गाइडेड मीडिया एक अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडिया में एक तो आप यूटीपी केबल है जो आपके स्विच के साथ आ रही है, पीछे बैकबोन तो यही है ना, यानी कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है, तो आपने ये करना है जॉइंट किट, जॉइंट किट के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जोड़नी है तो ये जॉइंट किट के जरिए जोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक तार जो है ना एक कॉलोनी के लिए काफ़ी है, एक तार ये एक बिल्डिंग के लिए ये काफी है। अच्छा, इसमें 10 गीगा स्पीड आराम से इजीली आप 10 गीगा जी 10 गीगा जी जी सर 10 गीगा आप जो है इस पे स्पीड कर सकते हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, इसी तरह आपने इस इधर से एक अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कलर लिया है ना इस साइड से, तो इस इधर से भी इधर से भी आपने ग्रीन जोड़नी है, अगर इस साइड से ग्रीन है तो इधर से भी आपने ग्रीन निकाल इधर से ग्रीन ये देखें, अब इस इधर से नहीं खोलने की जरूरत आपको ना इससे खोलने की, ये लास्ट वाले को इसका खाल इसकी खाल उधर निकाल उधर रही है, ठीक है। अब टिश्यू स्वैब दे दिए, अल्कोहल पैड उधर पड़ा है, एक तो ये पड़ा है, ठीक है, आप या तो जब ना हो लेकर आपको एक्स्ट्रा दिए हुए ये पड़ा है, ये स्वैब है। अच्छा जी, इसको आपने इसमें निशान दिया होगा कि आप जो है पहले यहाँ से खोलें और फिर आप चेक कर लिया करें कि इधर का इसका मुखालिफ साइड कौन सी है, इसका जो खोल हमने उतारा है उसको ये इससे साफ करें बिल्कुल से। ये नहीं, अब ये खुल गया, अब आपने कटर निकालें, ये कटर निकालें, अब वो वाला ये अब कटर आ गया, ये जो हमने इसका ये इस बैग से थोड़ा सा ओपन कर लेना, तार के जॉइंट लगाने के लिए इस कटर का होना लाजमी है। हाँ जी, ये कटर का होना साफ होना चाहिए, मट्टी डस्ट नहीं होनी चाहिए, डस्ट होगी तो आपके सामने ही जैसे कल हमने किया था वो जुड़ेगा ही नहीं। डस्ट का बहुत खास ख्याल रखना है। अच्छा सर, इस कटर को खास कोई नाम भी दिया गया? ये देखिए, ये कट गया, अब इसी को इस तार को इसी के अंदर
आपने उसी हिसाब से रख देना है जैसे आपने थोड़ा सा इस ब्लू से आगे रखना है आपने, ये ठीक है जी, थोड़ा सा आगे ये, ठीक है जी। अब इधर से भी हमने ग्रीन ही चूज़ करनी है, इधर ग्रीन है इधर भी ग्रीन होनी चाहिए।